प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प कार्य की वर्चुअल आधारशिला रखी, जिसको लेकर सीहोर जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव मुख्य रूप से शामिल हुए। बता दें कि मोहन यादव अपने तय समय पर हेलीकॉप्टर से अल्हाद खेड़ी हेलीपैड से आनंद डेरी होते हुए कोतवाली चौराहे पहुंचे और कोतवाली चौराहा से लीसा टॉकीज होते हुए तहसील चौराहे तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह मंच से उनका स्वागत किया गया। सीहोर से चंदर सिंह भगवान की रिपोर्ट। खास करके रेलवे स्टेशन के माध्यम से हमारे अपने प्रदेश के अंदर लगभग 77,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। आज बड़ी संख्या में स्टेशनों पे काम और रेलवे की पटरी से लेकर के कई सारे कामों को लेकर पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि मुझे जानकारी आई कि अकेले इसी साल का बजट रेलवे का 2.5 लाख करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और अश्विन वैष्णव जी के नेतृत्व में वंदे भारत मेट्रो और अन्य जो ट्रेनों की सौगात मिल रही है, रेल पटरी बिछ रही है, ये विकास की सौगात में के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा। खासकर मध्य प्रदेश के लिए उनने जो सौगातें दी है, लगभग 500 से ज़्यादा अलग अलग स्टेशनों पे उनने आज ये कार्यक्रम किया है।